हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है दोस्तों। ये आज हम एक केमिकल स्टॉक के बारे में बात करना है दोस्तों। जबरदस्त रैली कर रहा है दोस्तों और इस शेयर में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था दोस्तों, और करेक्शन के बाद ये कंपनी जबरदस्त रैली कर रही है दोस्तों। और अभी भी ये इस कंपनी में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है दोस्तों। ये शेयर आगे जबरदस्त रैली करने वाला है दोस्तों, और इस शेयर का नाम है दोस्तों वैलिएंट ऑर्गेनिक लिमिटेड। आप देख सकते हो आज के दिन इसमें 11% की रैली हुई है दोस्तों, 10.5% भाग चुका है और 700 रुपीज पे क्लोज हुआ है दोस्तों। ये शेयर आप देख सकते हो 699 रुपीज, और 1 मंथ में देखिए शेयर ने 16% की रिटर्न दिए दोस्तों। इसका 52 वीक लो देखिए 504 रुपीज, और 52 वीक हाई 1664 रुपीज। तो अपने 52 वीक हाई से अभी बहुत दूर है दोस्तों, आप इसका 1000 रुपीज टारगेट तो आराम से लेके चल सकते हो दोस्तों। ये शेयर 1500 रुपीज तक जाएगा दोस्तों, और ये अपने 52 वीक हाई को भी क्रॉस करेगा, मगर उसको टाइम लगेगा दोस्तों। और आप देखिए ईयर टिल डेट में ये शेयर अभी भी 34% डाउन चल रहा है दोस्तों, और मैक्सिमम देखोगे तो अभी कंपनी 58% डाउन चल रही है दोस्तों। और देखिए ये कंपनी अभी मैक्सिमम देखिए ये शेयर अभी 2020 में ही लिस्ट दिखा रहा है दोस्तों, 2020 में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है ऐसा दिखा रहा है, मगर ये बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। आप देख सकते हो 2016 में इस कंपनी का SME में IPO लिस्ट हुआ था दोस्तों, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। आप देख सकते हो इन्होंने ₹2 इनका शेयर प्राइस था दोस्तों, और वहां से कंपनी ने जबरदस्त रैली की है दोस्तों, और रैली के बाद ये शेयर बहुत जबरदस्त गिर भी चुका था दोस्तों, और आप फिर से ये रैली कर रहा है दोस्तों। तो इस रैली में एंजॉय कीजिए दोस्तों, आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो ऐड करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये शेयर 1000 रुपीज तक जा सकता है दोस्तों, और अभी हमारे कंपनी के ओवरव्यू पे आप देख सकते हैं, यही एक इसका ड्रॉबैक है दोस्तों। ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 1860 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों, इसका फेस वैल्यू 10। ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है दोस्तों, और ये कंपनी छोटा सा डिविडेंड भी बांटती है अपने शेयर होल्डर को। और देखिए कंपनी का रेवेन्यू देखिए दोस्तों, 22 में कंपनी ने अभी 1153 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों। तो जबरदस्त रेवेन्यू दोस्तों इसका, और इसका मार्केट कैप देखिए और रेवेन्यू देखिए दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 1860 करोड़, और रेवेन्यू देखिए 1153 करोड़। तो 50% से भी ज्यादा अपने मार्केट कैप से 50% से भी ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों। तो ये कंपनी आगे जाके जबरदस्त रेवेन्यू प्रॉफिट करने वाली है दोस्तों, और ये कंपनी आगे जाके जबरदस्त ग्रो भी होने वाली है दोस्तों। और अभी देखिए नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का कंटिन्यूअसली ग्रो करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है कंपनी का, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा दोस्तों एकदम से। आप देखिए अभी 22 में कंपनी ने 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया दोस्तों, और देखिए छोटा सा इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, और टोटल इनकम भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है कंटिन्यूस, और प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स पड़े दोस्तों। अभी 22 में देखिए 585 करोड़ के रिजर्व्स है दोस्तों कंपनी के पास, अच्छे खासे रिजर्व्स है दोस्तों कंपनी के पास। और देखिए अभी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास है 38.46%, FIIs है 2%, DIIs बहुत कम है दोस्तों, और पब्लिक देखिए 57% पब्लिक है दोस्तों, बहुत माल उठाया दोस्तों पब्लिक ने, बस होल्ड करना चाहिए दोस्तों इस शेयर को अभी। और देखिए DIIs भी 2% के आसपास है दोस्तों। और अभी देखिए इस शेयर का पीयर्स कंपनियां देखोगे तो सन फार्मा, डिवीज लैब, सिप्ला, मगर ये कंपनी केमिकल स्टॉक है दोस्तों, और जो भी फार्मास्यूटिकल में केमिकल लगता है दोस्तों वो ये कंपनी बनाती है दोस्तों। आप देख सकते हो वैलिएंट ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चर केमिकल्स, आप देख सकते हो ये केमिकल मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, 4D क्लोरोफिनॉल, 6D क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल। तो आप देख सकते हो ये सभी केमिकल यूज होते हैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल में, तो ये केमिकल स्टॉक है, मगर इसकी पीयर्स कंपनियां फार्मा स्टॉक दिखाई है दोस्तों। और देखिए ये कंपनी अभी 5 रुपीज का डिविडेंड बांट रही है दोस्तों, साल में 2 बार डिविडेंड देती है दोस्तों कंपनी, 6 रुपीज, 5 रुपीज, 7 रुपीज का यही रेंज है दोस्तों इनकी। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।